हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मैं वेलकम करता हूँ हमारी आज की फाइवर कोर्स की क्लास में। और आज हम देखने जा रहे हैं पेमेंट मेथड्स जो होते हैं उनके बारे में। फाइवर पे आप कौन से पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए आपको थोड़ा सा पेमेंट मेथड्स में इशू होता है क्योंकि हमारे पास पेपाल नहीं है। एक चीज़ मैं आपकी क्लियर कर दूँ, जो आप पेपाल कुछ लोग सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं फेसबुक पे कि आपको पेपाल हम बना के देंगे अकाउंट और हमारा ज़िम्मा है, आपसे कुछ चार्जेस लेते हैं और आपको एक पेपाल का अकाउंट बना के देते हैं, आप पाकिस्तान से उसको ऑपरेट कर सकते हैं वीपीएन के थ्रू, तो ये चीज़ कभी मत किया करें। आपको मैं कभी रिकमेंड नहीं करूँगा। एक तो इसमें बहुत रिस्क होता है। देखिए, कभी भी आपने वीपीएन लगाना आप भूल गए या फिर आपने कोई लोकल वीपीएन यूज़ किया, उसका अगर उस वो ड्रॉप हो गया कहीं पर, तो किसी भी वजह से आपकी थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो जैसे ही उसको उनको ओरिजिनल लोकेशन मिलेगी पाकिस्तान की, तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा पेपाल का फ़ौरन से। फिर उसकी वेरिफिकेशन वगैरह बहुत सारे चक्कर्स होते हैं, तो उससे आपको बचना पड़ता है। और उसमें कोई पेमेंट आपकी पड़ी हुई होगी तो उसका भी इशू बन जाएगा। तो मतलब काफ़ी इसके चौंचले हैं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इस तरह आप जाएँ। अगर आप ऐसा कोई ऐसी कोई पोस्ट वगैरह देखते हैं उसको इग्नोर कर दें, चाहे कितनी अच्छी ऑफर हो, जब तक पाकिस्तान में पेपाल खुद नहीं आ जाता, लीगल नहीं होता, तो इसको यूज़ करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, आपका कोई रिलेटिव बाहर रहता है जिसका पेपाल है, वो आप अटैच कर दें उसको और पेमेंट उस पर विथड्रा कर लिया करें और उसको कह दें कि वो अगर वो ट्रस्टेड है आपका, तो वो आपको पाकिस्तानी किसी बैंक वगैरह में भेज दे बहुत ईजीली। ये आप कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल है। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप ऐसा कुछ नहीं करना चाह रहे, इन झंझट से बचना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप पेओनीर नाम से एक बैंक है उसको यूज़ कर लें। थोड़ा बहुत टैक्स काटता है पर बहुत अच्छा बैंक है पेओनीर, तो इस पे अपना अकाउंट बना लें। अकाउंट बनाने के बहुत सारे तरीके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, मेरे चैनल पे भी मैंने एक बार सिखाया हुआ है, तो आप जाके मेरे पुरानी जो फाइवर की प्लेलिस्ट है उसमें जाके आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आपको मैं दिखा भी देता हूँ, बल्कि मेरी प्लेलिस्ट जो है पुरानी फाइवर की, जो मैंने एक लास्ट ईयर जिसमें फाइवर सिखाया था, हमारे पास ये पड़ी है, 45 वीडियोज़ हैं, तो इसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी जो कि पेओनीर का अकाउंट बनाना मैंने इसमें बताया हुआ है। ये देखें, क्रिएट अ पेओनीर अकाउंट इन पाकिस्तान, सो ये मैंने वीडियो में सिखाया हुआ, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो हमारी इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और भी काफ़ी यूट्यूबर्स के आपको वीडियो मिल जाएगी, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप अगर खुद ही इसको स्टडी करेंगे तो आप खुद से भी बना सकते हैं। सो बहरहाल, ये आपका जब आप पेमेंट विथड्रा करते हैं इससे, इसमें लाते हैं कहीं से भी पेमेंट पेओनीर में, तो ये $3 चार्ज करता है। चाहे आप $300 लाएँ या चाहे आप $30 लाएँ, आपके $3 चार्ज करेगा पेओनीर। तो $3 इसकी फ़ीस है, इसमें आप अपने पेमेंट विथड्रा कर सकते हैं और इसमें से फिर आप जेज कैश में अपना विथड्रा ले सकते हैं। ये भी आप यूट्यूब से देख सकते हैं कैसे लेना है, वरना जेज कैश ऐप में ऑप्शन होता है पेओनीर का, आप वहीं से क्लिक करके उसको अकाउंट को अटैच करेंगे, कोड आएगा और विथड्रा कर सकते हैं। आप इतना अगर थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हैं टेक्निकल चीज़ों की, तो आपको बहुत ईजीली आइडिया हो जाएगा। wise.com भी आप पेओनीर के बाद यूज़ कर सकते हैं। वाइज भी एक बहुत अच्छा पेमेंट मेथड है, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि बेटर है पेओनीर को यूज़ करें। हाँ, अगर आप अपवर्क यूज़ कर रहे हैं तो फिर वाइज एक अच्छा ऑप्शन रहता है, पर वो एक अलग चीज़ है। फिलहाल हम फाइवर को डिस्कस कर रहे हैं। मेरे तरफ से जो आपको रिकमेंडेड तरीका होगा पेमेंट का, अर्निंग्स का, तो आप पेओनीर अकाउंट बनाएं और उसको वेरीफाइड कर लें अपना CNIC वगैरह दे के, और उसके बाद यहाँ से अर्निंग्स में आके आपकी जो पेमेंट जो होती है, आप फॉर एग्जांपल आपने एक ऑर्डर कंप्लीट कर लिया, तो वो 14 डेज़ बाद आप वो पैसे निकलवा सकते हैं, पहले नहीं निकलवा सकते, तो आपने 14 डेज़ तक वेट करना पड़ता है। अब देखें, आप जो आपकी पेमेंट क्लियर हो जाएगी वो अभी शो होगी और वो आप विथड्रा करवा सकते हैं। ठीक है, जो क्लियर होनी होगी, सॉरी, वो यहाँ पर शो होंगी जो आपकी रहती हैं क्लियर, ठीक है, और जो अवेलेबल हो जाएंगी तो आप वो यहाँ पे शो हो जाएंगी और आप वो यहाँ से विथड्रा कर सकते हैं। बाकी जो आपकी अपकमिंग होगी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी और कंप्लीट आपकी डिटेल यहाँ पे शो होंगी। सो बहरहाल, मैनेज पे आउट मेथड्स पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी कि आपका भी इतना बैलेंस विथड्रा के लिए अवेलेबल है। इसमें एड पे आउट मेथड पर क्लिक करें तो कहेगा आपको कॉल करके हम वेरीफाई करेंगे, फिर आप वो कोड लगाएंगे तो आपसे पूछेगा आप कौन सा पेमेंट मेथड अटैच करना चाहते हैं, पेपाल, तो
तो पेपाल की जगह पर दूसरा एक बैंक ऑप्शन होता है, आप वो सिलेक्ट करेंगे और उसमें अपने पेओनियर को अटैच कर लेंगे पेओनियर के ईमेल पासवर्ड के थ्रू। तो फिर आपका अटैच हो जाएगा और आप उस पेमेंट मेथड को यूज़ करें और वहाँ से जेज़ कैश में विथड्रा लें। जेज़ कैश का बहुत अच्छा रेट है, बैंक में भी विथड्रा आप ले सकते हैं पेओनियर से, पर उसके लिए आपके अकाउंट में $150 लाजमी होनी चाहिए, उससे कम आप विथड्रा नहीं कर सकते बैंक में। जेज़ कैश में कोई लिमिट नहीं है, आप जितने भी आपके डॉलर हों आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। और बनिस्बत बैंक आपका जो जेज़ कैश है मेरे हिसाब में अच्छा रेट देता है डॉलर का, तो हम उसको ज़्यादा यूज़ मैं खुद मैं पर्सनली उसको यूज़ करता हूँ, मुझे आसान लगता है और अच्छा लगता है। आपकी मर्ज़ी, आप बैंक में भी ले सकते हैं विथड्रा। अब एक और चीज़, बैंक विथड्रा या हो या जेज़ कैश, कभी कभी ऐसा होता है आपकी पेमेंट विथड्रा करने के फ़ौरन बाद आपके अकाउंट में आ जाती है और कभी कभी कुछ टाइम लगता है। तो और कोशिश किया करें फ्राइडे के दिन पेमेंट विथड्रा मत करें, सैटरडे संडे को भी मत करें, वैसे ही ऑफ होता है, मंडे से लेकर थर्सडे के बीच में अपनी पेमेंट निकाला करें। इसमें यह होता है कि अगर फ्राइडे के दिन आपने पेमेंट निकाली और ऑफिस टाइम उनका पेओनियर का ख़त्म हो गया, तो फिर आप उनकी पैसे आप नहीं पहुँचे आपके, तो आप कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते, उनकी छुट्टी होती है सैटरडे संडे, फिर आपको मंडे तक वेट करना पड़ता है अपने पैसों वगैरह को, पेमेंट को, ट्रांजेक्शन को ट्रैक वगैरह करवाने के लिए। तो बेटर है कि आप मंडे से लेके थर्सडे के बीच में ट्रांजेक्शन करें, कोई इशू आता है आप कस्टमर सपोर्ट से भी रब्ता कर पाएंगे और वो ट्रांजेक्शन जल्दी आ जाती है। ठीक है, अगर आप फ्राइडे को करते हो तो वो उनके ऑफिस बंद हो जाते हैं, फिर वो 2 दिन के बाद पेमेंट भेजते हैं, पर अगर आप मंडे में या थर्सडे के बीच में करोगे तो वो फ़ौरन से मोस्टली आ जाती है। उसके बाद भी अगर पेमेंट आपके पास नहीं आती और कभी कभी ऐसा होता है वहाँ से निकल जाती है पेमेंट से पर यहाँ पर नहीं पहुँची, तो आपने वेट करना है 2 दिन में। जेज़ कैश का टाइम होता है, जेज़ कैश थोड़ा सा स्लो है तो बैंक भी करते हैं इशू, तो 2 दिन में जो रेमिटेंस होती है वो बैंक में आप चाहे विथड्रा करें या जेज़ कैश में तो वो आ जाती है। तो बैंक और जेज़ कैश दोनों कुछ टाइम लेते हैं, तो आ जाती है 2 दिन बाद पेमेंट। और अगर आप फिर भी 2 दिन बाद नहीं आई तो आप हेल्पलाइन पर रब्ता कर सकते हैं बैंक की या जेज़ कैश की, वो आपको ट्रैक कर देते हैं, आपके पैसे कहीं नहीं जाते, आप इनसे कांटेक्ट करते हैं तो आपके पेमेंट आ जाती है। तो इश्यूज होते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिए, मोस्टली आपकी पेमेंट सही से भी आ जाती है, ये नहीं कि हर बार ये इशू हो। सो बहरहाल आपको चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। आपकी दूसरी भी क्लास भी आज ही आनी थी पर कुछ रीज़न की वजह से मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सो बहरहाल वो क्लास आपकी कल आएगी। अब कल इस कोर्स की लास्ट क्लास होगी, ठीक है, फाइनल क्लास होगी कल इस कोर्स की, और उसमें बहुत अहम चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ी लंबी क्लास होगी और काफ़ी कुछ आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर करने वाला हूँ, और लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, एक मैं आपको शो करूँगा और वो आपको कल जो है रात 12 बजे तक सबमिट कर देने हैं, उनके आंसर्स मुझे व्हाट्सएप पे। जो स्टूडेंट्स क्लास फ़ौरन देखने के बाद मुझे अपने आंसर सबमिट कर देंगे तो उनको सर्टिफिकेट्स इशू किए जाएंगे, अचीवमेंट सर्टिफिकेट, जो कल रात क्लास 9 बजे पोस्ट होगी, 12 बजे तक टाइम होगा, 3 घंटे में जिसने आंसर सबमिट कर दिया उसके काउंट होंगे और फिर उनको ही अचीवमेंट सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा इस कोर्स का, और किसी को नहीं मिलेगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है और ये चीज़ फॉलो करनी है। तो कल कैसे प्रोसेस होगा, क्या आपने सेंड करना है, आंसर कैसे भेजने हैं, वो सारी चीज़ें कल की क्लास में आपको बताऊंगा। और आज की क्लास के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप सबसे कल की क्लास में मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।